हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ 15,000 के अंडर में मिलने वाले बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में। तो आज का हमारा पहला स्मार्टफोन है रेडमी कंपनी का और इसका मॉडल है रेडमी नोट 9 प्रो और ये आपको इंटरस्टेलर ब्लैक कलर में मिलेगा और इसमें 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज आती है। इस स्मार्टफोन में 6.67 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है। अगर इसके बैक साइड पे कैमरे की बात करें तो इसके बैक साइड पे 4 कैमरे दिए हैं। तो इसमें मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, प्लस 8 मेगापिक्सल का, प्लस 5 मेगापिक्सल का, प्लस 2 मेगापिक्सल का, ऐसे 4 कैमरे दिए हैं। अगर इसके फ्रंट साइड पे सेल्फी कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। अगर इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें 5020 mAh की बैटरी दी गई है और इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720Z प्रोसेसर दिया है और इसके साथ 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर भी आता है। तो दोस्तों, ये फ़ोन करीब आपको 12,999 में पड़ेगा। अब बात करते हैं स्मार्टफोन नंबर 2 की, जो Realme कंपनी का है और इसका मॉडल है Realme 5 Pro। इस मोबाइल में भी आपको 4GB की रैम और 64GB की रोम दी जाती है और ये स्मार्टफोन आपको स्पार्कलिंग ब्लू कलर का मिलता है। इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.3 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है और इसकी बैक साइड पे 4 कैमरे दिए हैं। जो इसका मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है, प्लस 8 मेगापिक्सल, प्लस 2 मेगापिक्सल, प्लस 2 मेगापिक्सल, ऐसे 4 कैमरे दिए हैं। अगर इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें 4035 mAh की बैटरी दी गई है और इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन SDM712 ऑक्टाकोर 2.3 GHz प्रोसेसर दिया है और इसके फ्रंट साइड पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है और ये मोबाइल भी आपको करीब 13,999 में मिल जाएगा। बात करते हैं स्मार्टफोन नंबर 3 की, जो Realme कंपनी का है और इसका मॉडल है Realme 6। इसमें आपको 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज मिलती है और इसका कलर है कॉमेट ब्लू। बात करें इसके डिस्प्ले की तो इसमें 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है। अब बात करते हैं इसकी बैक साइड की तो इसकी बैक साइड पे 4 कैमरे दिए हैं। जो इसका मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है, प्लस 8 मेगापिक्सल का, प्लस 2 मेगापिक्सल का, प्लस 2 मेगापिक्सल का, ऐसे 4 कैमरे दिए हैं और इसकी फ्रंट साइड पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है और इसमें MediaTek Helio Z19T प्रोसेसर दिया है और इसमें बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए स्लाइड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है और इसमें 4300 mAh की बैटरी आती है। तो ये स्मार्टफोन भी आपको करीब 13,999 में मिल जाएगा। बात करते हैं स्मार्टफोन नंबर 4 की, ये फोन है Samsung कंपनी का। इसका मॉडल है Samsung Galaxy M30 और इस फोन में भी आपको 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज मिलती है और इसमें 6.4 इंच की मल्टी टच कैपेसिटिव डिस्प्ले दी गई है और इसके बैक साइड पे 3 कैमरे दिए हैं। जो मेन कैमरा है 30 मेगापिक्सल का, प्लस 5 मेगापिक्सल का, प्लस 5 मेगापिक्सल का, ऐसे 3 कैमरे दिए हैं और बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है और फ्रंट साइड पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया है और इसमें 1.8 GHz एक्सोइनी 7904 ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया है और इसके साथ 15 वोल्ट का सी टाइप फास्ट चार्जर आता है। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये करीब आपको 12,999 में मिल जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 5 की, ये वीवो कंपनी का फोन है और इसका मॉडल है Z1 Pro और इसमें भी आपको 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज दी जाती है और इसका कलर है मिरर ब्लैक। अगर बात करें इसकी डिस्प्ले की तो इसमें 6.53 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है। अगर इसकी बैक साइड की बात करें तो इसकी बैक साइड पे 3 कैमरे दिए हैं। जो इसका मेन कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है, प्लस 2 मेगापिक्सल, प्लस 8 मेगापिक्सल, ऐसे 3 कैमरे दिए हैं और इसके साथ फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया है। और फ्रंट साइड की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है और इसमें 5000 mAh की बैटरी आती है और इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 712 AIE ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया है और ये स्मार्टफोन भी आपको करीब 15,000 के आसपास मिल जाएगा।
तो दोस्तों ये थे कुछ बेस्ट स्मार्टफोन जो करीब आपको 15,000 के अंडर में मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए।